स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, आज फिजिक्स में गति समीकरण के बारे में बताना है। इसके पहले हम बताए थे त्वरण क्या होता है। तो त्वरण क्या है कि वेग परिवर्तन, गतिशील पिंड के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का व्यंजक निकाले थे ए बराबर वी माइनस यू बटे टी। अब त्वरण होता है एक समान त्वरण। तो एक समान त्वरण क्या है कि जब किसी पिंड का त्वरण समय के समान अंतराल में समान रहता है तो उसको एक समान त्वरण कहते हैं। और प्रतिवर्ती त्वरण क्या होता है कि जब किसी पिंड का त्वरण समय के समान अंतराल में समान नहीं रहता है बल्कि बदल जाता है तो उसको प्रतिवर्ती त्वरण या असमान त्वरण कहते हैं। तो इसी त्वरण या गति से संबंधित गति के तीन समीकरण हैं। इस तीनों समीकरण को हम लिख रहे हैं आज। पहला समीकरण है भी बराबर यू प्लस ए टी, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है एस बराबर यू टी प्लस हाफ यानी एक बटे दो ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण है भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर टू ए एस। ये तीनों समीकरण को बारी बारी से निकाल लेंगे, प्रूफ करेंगे। तो इसमें जो सिंबल सब है भी यू ए टी एस, ये क्या है इसको भी क्लियर कर लीजिए। यू बराबर होता है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। जब कोई वस्तु चल रही है, जिस वेग से चल रही है शुरू में, उसको प्रारंभिक वेग कहते हैं। और भी क्या है, अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। यू को प्रारंभिक वेग और भी को अंतिम वेग बोलते हैं। ये क्या है, त्वरण है, एक्सेलरेशन। और टी क्या है, समय है, टाइम जिसको बोलते हैं। और एस है तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। इस सिंबल को दिमाग में रखिएगा कि प्रारंभिक वेग को हम यू से डिनोट करते हैं और अंतिम वेग को भी से, और त्वरण को ए से, और समय को टी से, और तय की गई दूरी को एस से प्रकट करते हैं। अब हमको गति का पहला समीकरण भी बराबर यू प्लस ए टी, इसको निकालना है। भी बराबर यू प्लस ए टी, पहला समीकरण को निकालना है। भी बराबर यू प्लस ए टी, तो ये पहला समीकरण है। इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि प्रारंभिक वेग u मीटर पर सेकंड से गतिशील कोई पिंड जब एक समान त्वरण से गति करती है तो t सेकंड में उसका अंतिम वेग क्या है। इसको हम भाषा में लिखते हैं प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग u मीटर पर सेकंड तथा एक समान त्वरण, एक समान त्वरण ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से गतिशील किसी पिंड द्वारा टी सेकेंड में अंतिम वेग ज्ञात करना, अंतिम वेग ज्ञात करना या ज्ञात करें। एक सवाल हो गया, भी बराबर यू प्लस ए टी का ही मतलब हुआ कि प्रारंभिक वेग u मीटर पर सेकेंड तथा एक समान त्वरण ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से गतिशील किसी पिंड का यानी पिंड द्वारा टी सेकेंड में अंतिम वेग ज्ञात करना, इसी को हम प्रूफ करना चाहते हैं। अब आइए परमाणु। माना कि कोई पिंड
कोई पिंड प्रारंभिक वेग u, प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण a से गतिशील है। तो त्वरण की परिभाषा से एक सेकेंड में पिंड का वेग बराबर u प्लस a इंटू वन, दो सेकेंड में पिंड का वेग u प्लस a इंटू टू। अब ऊपर मिटाते हैं, तीन सेकेंड में पिंड का वेग u प्लस a इंटू थ्री, टी सेकेंड में पिंड का वेग u प्लस a इंटू टी बराबर u प्लस ए टी। यदि टी सेकेंड में अंतिम वेग भी हो तो भी बराबर u प्लस ए टी। यही गति का पहला समीकरण हो गया। गति का दूसरा समीकरण क्या है कि s बराबर यू टी प्लस हाफ नी बटे दो ए टी स्क्वायर। अब इसको प्रूफ करने के लिए अर्थमेटिक मेथड भी है और ग्राफीय विधि भी है, ग्राफीय मेथड भी है। तो ग्राफीय मेथड से इसको प्रूफ करना है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को ग्राफीय विधि से सिद्ध करें, है ना। तो ग्राफीय विधि से इसको सिद्ध करना है। इसके लिए बताते हैं, कोई पिंड प्रारंभिक वेग u से चल रही है, गतिशील है, प्रारंभिक वेग u से गतिशील है और बिंदु O से a तक जाती है, बिंदु O से a तक जाती है प्रारंभिक वेग u मीटर पर सेकेंड से, और टी सेकेंड बाद, अब समय को इस तरह से लेते हैं, टी सेकेंड बाद यहां तक हुआ, टी सेकेंड बाद इसका वेग भी मीटर पर सेकेंड हो जाता है, यानी अंतिम वेग भी हो जाता है और ये बी तक चलती है। तो प्रारंभिक वेग यू से बिंदु ओ से ए तक चल रही है, इसके समानता यही चीज यहां दिखाया गया है,
और टी सेकंड के बाद वो बी तक चली जाती है, उसका अंतिम वेग भी हो जाता है। इस बात को लिख देते हैं कि कोई पिंड बिंदु ओ से, बिंदु ओ से प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग यू मीटर पर सेकेंड, यू मीटर पर सेकेंड से गतिशील है और वह ओ से ए बिंदु तक चलती है और इसी वेग से वह बिंदु ओ से ए तक जाती है और टी सेकंड के बाद उसका वेग भी मीटर पर सेकंड हो जाता है और टी सेकंड के बाद उसका अंतिम वेग भी मीटर पर सेकंड हो जाता है ना। तो वो यहाँ से यहाँ तक दूरी मतलब कि वेग है u, यहाँ से यहाँ तक u वेग है, आगे में वेग उसका क्या हो गया है b। तो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर है ना। तो वेग में परिवर्तन की दर, त्वरण बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेग में परिवर्तन बटे समय। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, तो त्वरण वेग में परिवर्तन क्या हो गया, इसी तरह लेंगे बी सी, अंतिम वेग बी सी और यह प्रारंभिक ए ओ हुआ, बी सी माइनस ए ओ बट्टे क्या है ओ सी। तो बी सी बराबर हमारा बी डी प्लस सी डी है, बी डी प्लस सी डी है माइनस ए ओ हमारा क्या है सी डी है बट्टे ओ सी क्या है हमारा टाइम है, ये टी सेकेंड हुआ, टी सेकेंड क्या, तो सी डी साफ हो गया, ए बराबर हो गया बी डी बाई टी, या बी डी बराबर क्या हो जाएगा, इसी को ऊपर मिटाते हैं, बी डी बराबर क्या हो गया ए टी। अब हमको तय की गई दूरी निकालना है, तय की गई दूरी ओ ए बी सी, इसके हाथ की दूरी, अब तय की गई दूरी उसको ए से डिनोट करते हैं, तय की गई दूरी एस बराबर समलंब ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, समलंब ओ ए बी सी का क्षेत्रफल समलंब का फॉर्मूला से भी सेट कर सकते हैं, या इसको हम एक आयत और एक समकोण त्रिभुज के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि आयत ओ ए डी सी का क्षेत्रफल जोड़ समकोण त्रिभुज बी डी ए का क्षेत्रफल, लिख सकते हैं इसी बात को, देखिए आयत ए ओ सी डी का क्षेत्रफल, ए ओ सी डी का क्षेत्रफल प्लस
त्रिभुज बी डी ए का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ए का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई। अब प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एक बटे दो गुना आधार गुना ऊंचाई। तो लंबाई क्या है इसका? ओ सी। चौड़ाई क्या है? ए ओ। ओ सी गुना ए ओ। अब प्लस एक बटे दो गुना आधार इसका क्या है? ए डी। ऊंचाई क्या है? बी डी। अब इसी का वैल्यू बैठा दीजिए। ओ कितना है? ओ सी कितना है? टी है। गुना ए ओ कितना है? यू है। प्लस एक बट्टे दो ए डी कितना है? टी है। और बी डी हमारा क्या है? ए टी है। तो हमारा निकल गया एस बराबर टी इंटू यू, तो यू टी हो गया। प्लस एक बट्टे दो टी गुना ए टी, तो ए टी स्क्वायर। यही गति का दूसरा समीकरण है, जहाँ एस तय की दूरी, यू प्रारंभिक वेग, टी समय और ए त्वरण है। ये आपका कंप्लीट। थैंक्स। यहीं तक रखा जाए।